Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this video we are going to talk about nature and function of literary criticism. In this video we will be talking about all these topics. You can see here three things which causes diversity in opinion. Second is chief function of criticism and principle of criticism. Later we will be talking about types of literary criticism. You will see here, आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द मेन पॉइंट इन दिस एंड इन फर्दर वीडियोस. अपकमिंग वीडियोस आई विल बी डिस्क्राइबिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन डिटेल एंड द टॉपिक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. So friends, we are here on the top of this page. Actually, this is my blog. You can see here, bestnotestutorialblogspot.com. In case you don't know my blog, you can just type in Google Best Notes Tutorial and you will find my blog here. Alright, so here is another thing. Let me tell you that here we have the search option if you want any topic. This is actually, I'm just developing this blog, and this blog is, you know, joined by nine people. So in this blog family we are 9 people. So if you want to join our family, you can just click here and then you can join this blog. So let's start now. So from here we are going to start now. Nature and function of literary criticism. So what is criticism? It comes from Greek word judgment. So basically, अगर हम एक वर्ड में कहें कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, तो वहाँ पर है जजमेंट. अब किसका जजमेंट, ये हम आगे आगे देखेंगे. किस तरह से जजमेंट, कितने टाइप से कोई अपना जजमेंट किसी वर्क के बारे में दे सकता है. सो दैट इज़ क्रिटिसिज्म. मीन्स एक क्रिटिक क्या करता है, कोई वर्क है राइट, और कोई आपका कोई क्रिटिक है, वो क्या करेगा, इस वर्क को पढ़ेगा. अब इस वर्क को पढ़ने के कई तरीके हैं लिटरेचर में, उन तरीकों को हम नीचे देखेंगे. शॉर्ट में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेफिनेशन के साथ में बताऊंगा कि कितने तरीके से किसी वर्क को पढ़ा जा सकता है, कैसे एनालाइज किया जा सकता है. जब हम UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हो, तो जो क्रिटिसिज्म टॉपिक है, इसे बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं. बट जो इंग्लिश लिटरेचर का असली मज़ा है, वो क्रिटिसिज्म को जानने के बाद ही है, क्योंकि आप धीरे धीरे सारे जो टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म हैं उन्हें जान जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी. मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वर्ड्स में आप लोग इसे समझ पाएँ. सो जजमेंट ऑन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई क्रिटिक किसी वर्क को पढ़ता है, अपना जजमेंट देता है, तो वही क्रिटिसिज्म बन जाता है. वही जिस भी वे में वो कहेगा अपनी बात उस वर्क के बारे में, पर्टिकुलर वर्क के बारे में, वो उस तरह का क्रिटिसिज्म हो जाता है. एग्जामिन इट्स एक्सेलेंसेस एंड डिफेक्ट्स. तो बेसिकली जो क्रिटिक होता है वो क्या करता है, जो एक्सेलेंट चीज़ें उस वर्क में हैं उसके बारे में बात करेगा, और जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेगा. फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है इवेल्युएटिंग इट्स आर्टिस्टिक वर्थ. तो उस वर्क की आर्टिस्टिक वर्थ कितनी है, ये भी वो जानने की कोशिश करेगा. क्योंकि जो जब आर्टिस्टिक वर्थ किसी वर्क के बारे में पता चल जाएगी, तो और लोग उसे फॉलो कर सकते हैं. T.S. Eliot ने क्या कहा है क्रिटिसिज्म के बारे में, उन्होंने कहा, क्रिटिसिज्म इज़ द कमेंटेशन एंड एक्सपोजिशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट बाई मीन्स ऑफ रिटन वर्ड्स. तो उनका कहने का मतलब है T.S. Eliot का, कि जो क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअल में क्या है, वो किसी तरह का कमेंट है, और किसी वर्क का जो है उसको एक्सपोज करना है रिटन वर्ड्स के द्वारा. तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये कोटेशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये मैथ्यू अर्नॉल्ड, T.S. Eliot, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज, इनमें से ऑप्शन में से किसका ये आपका स्टेटमेंट है. तो आप लोगों को ये याद रखना है. नेक्स्ट है आपका मैथ्यू अर्नॉल्ड. क्रिटिसिज्म इज अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड. तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने क्या कहा, कि जो बेस्ट है उसे हमें क्या करना है, प्रोपगेट करना है और लर्न करना है. ऑलराइट, तो इसी को प्रोपगेट करने का एक जो टूल है वो क्या है, क्रिटिसिज्म है. क्योंकि हम अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो आर्टिस्टिक वर्थ है हम किसी वर्क की, वही हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू हियर. ओके, हियर आई हैव यू नो पुट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट यू कैन गेट ऑल इंग्लिश लिटरेचर यू नो नोट्स इफ़ यू विश टू हैव. यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर.
Now let's come to the next part. Three things which causes diversity in opinion. अब क्रिटिसिज्म में क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं ओपिनियन की, कि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है. जैसे हमने टी एस एलियट और मैथ्यू अर्नॉल्ड का दोनों का ओपिनियन देखा, तो टी एस एलियट ने क्या कहा, टी एस एलियट ने कुछ और कहा, और मैथ्यू अर्नॉल्ड ने क्या कहा, उन्होंने कुछ अलग कहा. तो दोनों का ओपिनियन अलग है. तो कहने का मतलब दो तरह की क्या हो गई है, यहीं पर आप लोगों को दो ओपिनियन देखने को मिले. तो दो तरह का क्रिटिसिज्म तो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल गया. तो अब चलते हैं कि ओपिनियन किस तरह से चेंज होता है. एक है आपका इंडिविजुअल प्रेजुडिसेस एंड प्रेडिक्शंस. तो यहाँ पे क्या है कि हर एक जो राइटर लिखेगा, मीन्स अगर चार इंसानों की बात की जाए, तो सबके अपने अपने प्रेजुडिसेस होते हैं, ठीक है. डिफरेंट थ्योरी ऑफ पोइट्री, और पोइट्री के बारे में भी आपको पता ही है कि अलग अलग आइडियाज़ हैं. जैसे हम बेसिकली अगर बात करें कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, दोनों की क्या है, अपने अपने आइडियाज़ हैं पोइट्री के बारे में. तो दोनों अपना जो जजमेंट देंगे किसी एक सिंगल वर्क पे, अगर एक बुक है उसमें अगर हम देखें तो एक ही बुक पे दो ओपिनियन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं. तो दो तरह का क्रिटिसिज्म उसका नाम हो जाएगा. नीचे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म. स्प्रिट ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एज में आपको क्या होगा, अलग अलग तरह के राइटर की अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलेंगी. और ये जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो इस चीज़ को भी उससे एसोसिएट करके ज़रूर पढ़ें. जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स बनाया था, उसमें हर एक एज में मैंने इस चीज़ को आप लोगों को बताने की कोशिश की कि उसमें जो राइटर का पर्टिकुलर बैकग्राउंड है और वो सोच जो उस पर्टिकुलर एज में चल रही है वो कौन सी है. तो वो आपको हेल्प करती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक डाइवर्सिफाइड तरीके से स्टडी करने में. नेक्स्ट आपका चीफ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. पहला आपका इवैल्यूएशन, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है आपका एलिसिटेशन. नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म. सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, एंड प्रिंसिपल ऑफ आइडियलाइजेशन. टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, जुडिशियल क्रिटिसिज्म, थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, इवैल्यूएटिव क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म. इन सभी को अभी हम इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और आप लोगों को याद भी करनी है. डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म, टेक्सुअल और ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, ये आपका मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, ये भी आपका मॉडर्न लिटरेचर से रिलेटेड है. सोशियोलॉजिकल, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, एंड आर्किटिपल क्रिटिसिज्म. तो ये आपके मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर से क्या है, रिलेट करते हैं. तो वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे. पहला है आपका लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म. द क्रिटिक सॉट टू टीच राइटर्स हाउ टू राइट और हाउ टू राइट बेटर एंड लेट डाउन कैनन्स, रूल्स, फॉर्मूले ऑफ लिटरेरी कॉम्पोजिशंस. तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का सिंपली ये है कि अगर कोई क्रिटिक लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को फॉलो कर रहा है, मीन्स इस मेथड को फॉलो कर रहा है किसी बुक के बारे में, तो राइटर को ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो किस तरह से होनी चाहिए. और फाइनली क्या होता है, एक कैनन आता है कि जो बेस्ट वर्क्स का एक हम कहें कि एक सीरीज़ बना दी जाती है कि ये बेस्ट वर्क्स हैं. वो रूल्स बनाने की कोशिश करता है और कुछ फार्मूले बनाने की कोशिश करता है लिटरेरी कॉम्पोजिशंस के लिए कि इसी तरह से आपको ये वर्क लिखने चाहिए. नेक्स्ट है आपका जुडिशियल क्रिटिसिज्म. गिव्स जजमेंट ऑन वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑन सर्टेन रूल्स. इफ़ वर्क्स एडर्स टू रूल्स इट्स गुड, एंड इफ़ नॉट इट कंडेम्ड एज वर्थलेस. तो जुडिशियल क्रिटिसिज्म में सिंपली क्या होगा कि कुछ रूल्स होंगे. ओके, अब किसी राइटर ने क्या किया, एक बुक लिख दी, और वो बुक लिखी, तो जुडिशियल क्रिटिसिज्म वाला क्या करेगा कि अपने रूल से चेक करेगा अगर इनकेस इस बुक से मैच करते हैं वो रूल्स, इस बुक ने उस रूल को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली वो अच्छा माना जाएगा, वो अच्छा वर्क है एक जुडिशियल क्रिटिक के नज़र में, और अगर नहीं है तो उसे कंडेम करेगा. थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी. स्टार्टिंग पॉइंट सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री. तो सिडनी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म का, वो होता है आपका सिडनी की अपॉलजी फॉर पोइट्री से. और ये क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की जाती है एक आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए, जो पोइट्री है उसके लिए. इवैल्यूएटिव क्रिटिसिज्म, इट डज इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ वर्थ एंड सिग्निफिकेशन सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट.
अगर आपने एक बुक लिखी तो उसका कितना, उसको पहले इवेल्यूएट किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा कि उसकी वर्थ क्या है एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि अगर उस आपने पोइट्री लिखी है तो ये जो इवेल्यूएटिव क्रिटिसिज्म है ये बताने की कोशिश करेगा कि इसका एक्चुअल में पोइट्री के फील्ड में कितनी वर्थ है। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जैसा कि आप नाम से भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में दिस एग्जामिन्स अ वर्क विद रेफरेंस टू इट्स सोशल मिलिया एंड इट रिलेट्स द राइटर्स टू हिज एज। तो ये क्या करेगा कि जो सोशल मिलिया है उससे आपको उसका कॉन्टेक्स्ट, उस वर्क का कॉन्टेक्स्ट देखेगा कि वो मैच करता है या नहीं करता है। अगर मैच करता है तो बेस्ट है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, इट क्लोजली अकिन टू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। तो आप देख सकते हैं कि जो बायोग्राफिकल है वो भी हिस्टोरिकल की तरह है, और ये भी इवेल्यूएट करेगा किसी वर्क को कि जो लाइफ ऑफ ऑथर है उससे रिलेट करता कर पाता है कोई वर्क या नहीं कर पाता है। कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, इट इवेल्यूएट्स अ वर्क बाय कंपेयरिंग इट विद अदर वर्क्स ऑफ सिमिलर वर्क्स। अब इसमें आपको टचस्टोन मेथड, आप लोगों ने मैथ्यू अर्नोल्ड का देखा होगा, वो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म से मैच करता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई आपने कोई बुक लिख दी और कोई बुक पहले से लिखी गई है, अब क्या करेगा जो कंपैरेटिव क्रिटिक होगा वो इस बुक को, आपकी लिखी हुई बुक को, किसी पीछे की लिखी हुई बुक को, शेक्सपियर की कोई बुक उठा लेगा और उससे मैच करेगा। अगर उसी तरह से लिखी गई है तो इट इज़ बेस्ट, और अगर नहीं लिखी गई तो इट इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, इट इज़ एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ देयर एम्स, मैथड एंड इफेक्ट्स। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाएगा कि जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके एम्स, मेथड्स और इफ़ेक्ट से उनका कंपैरिजन करेगा आपके वर्क का, और बताने की कोशिश करेगा कि ये वर्थ रीडिंग है या नहीं है। इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म, द क्रिटिक डज नॉट इवेल्यूएट अ वर्क, ही डज नॉट कॉल इट गुड और बैड, रादर ही सीक्स टू कन्वे हिज ओन इन्जॉयमेंट ऑफ इट टू हिज रीडर। तो इम्प्रेशनिस्टिक में क्या होगा कि आपका जो उस वर्क का इम्प्रेशन है वो कैसा रहा है। जैसे जो क्रिटिक है डज नॉट इवेल्यूएट अ वर्क, वो वर्क को इवेल्यूएट नहीं करेगा और ना ही उसे अच्छा या बुरा बताएगा। वो क्या करेगा कि अगर उसे खुद कैसा लगा उस वर्क को पढ़ के, कैसा उस वर्क का जो जो आपकी बुक थी वो उसका इम्प्रेशन कैसे, किस तरह से आपके ऊपर पड़ा है, कितना उसने इन्फ्लुएंस किया है आपको, ये क्या होगा वो बताने की कोशिश करेगा सिंपली। टेक्सुअल और ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, यहाँ पे मैंने आप लोगों का लिखा है नोट, इम्पॉर्टेंट मॉडर्न लिटरेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस ओनली टेक्स्ट विदाउट द अदर फैक्ट्स, फॉर इंस्टेंस बायोग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो टेक्सुअल है, रीडर रिस्पॉन्स वगैरह आप लोग देखेंगे बाद में, मैंने वैसे रीडर रिस्पॉन्स पर भी एक वीडियो बनाया है चैनल पर, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। तो टेक्सुअल और ऑन्टोलॉजिकल में क्या होगा कि ना तो उन्हें राइटर के बैकग्राउंड से कोई लेना देना है, ना राइटर की हिस्ट्री से कोई लेना देना है, या उसकी साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपली क्या करेंगे कि आपकी जो ये बुक आपने लिखी है, इस बुक को वो रीड करेंगे, इसके अंदर का जो क्या है टेक्स्ट है उसको एनालाइज करेंगे, तो इसी को हम टेक्सुअल या ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड्स, इट एनालाइजेज द अनकॉन्शियस रिप्रेशंस एंड द इंटीरियर लाइफ ऑफ राइटर एंड इट्स रेफरेंस टू वर्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑन हिज आर्ट। तो साइकोलॉजिकल, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसमें कि साइकोलॉजिकल वर्ड यूज हुआ है, आई रिचर्ड्स इसका हम कहें कि चीफ एक तरह से क्रिटिक थे। तो देखेंगे कि जो अनकॉन्शियस रिप्रेशंस आपको, इंटीरियर लाइफ ऑफ राइटर, ये सारी चीज़ें मींस उसमें किस तरह की साइकोलॉजी यूज की गई है राइटर के द्वारा, तो और हम कह सकते हैं कि जो वर्क है उसमें कितना साइकोलॉजिकल पार्ट है उस वर्क का, कितना साइकोलॉजिकल एक इम्प्रेशन ये डाल रहा है उस वर्क का, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहेंगे। सोशियोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल इफेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें, सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल इफेक्ट को मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इसको कहा जाता है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म स्टार्ट विद द कन्विक्शन दैट आर्ट्स रिलेशन टू सोसाइटी एंड इन्वेस्टिगेट दैट रिलेशनशिप। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई वर्क लिखा है,
उस वर्क का कोई ना कोई रिलेशन कहाँ होना चाहिए सोसाइटी के साथ में, आपका जो वर्क है उसका सोसाइटी से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, और वो उस सोसाइटी का जो रिलेशनशिप होगा उसी रिलेशनशिप को क्या करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्किटिपल टिपल क्रिटिसिज्म, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। ये आर्किटिपल जो है वो आपका साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की ही ब्रांच है, और आर्किटिपल क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन द फ्राइड्स थ्योरी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट सिविलाइज्ड मैन प्रिजर्व्स। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो इनकेस आप लोगों ने ये ब्लॉग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पर आना है और इसे फॉलो कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब अगर आप इसे मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इस 3 डॉट पे अगर आपको पूरा ये ब्लॉग इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, ये 3 डॉट पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर जाके डेस्कटॉप साइट आपको दिखेगा। इस डेस्कटॉप साइट को आपको सिलेक्ट कर लेना है तो आप लोगों को इस तरह से जैसा कि कंप्यूटर में दिखाई देता है उसी तरह से दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे फॉलो होगा क्योंकि ये आईडी से इसे ऑलरेडी फॉलो किया गया है, सो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, और जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे हमारी फैमिली से। आप लोगों को ब्लॉग के जो भी मैं ब्लॉग लिखूंगा, जो भी नोट्स ब्लॉग पे डालूंगा अपने, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।